नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टेलीबीट्स टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। चलिए बात कर ली जाए कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो दुर्गा की, जिसकी कहानी में आने जा रहा है एक जबरदस्त ट्विस्ट, क्योंकि अब हमारे दुर्गा की जिंदगी में आ रहा है इमोशनल मोमेंट। एक तरफ जहाँ दुर्गा अपने कॉलेज की पढ़ाई को लेकर अब परेशान है, क्योंकि वहां पर उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है, उसकी रैगिंग की जा रही है, बुली किया जा रहा है उसे, बहुत सारी बातें हैं जिसको वो फेस कर रही है। दूसरी तरफ दुर्गा अपनी माँ से मिलने के लिए काफी बेताब है और अपनी माँ की खोज करना चाहती है, उनकी तलाश करना चाहती है कि आखिरकार दुर्गा की माँ है कहाँ, बड़े पापा ने उन्हें कौन सी कैद में गायब करके रखा है। तमाम चीजों को लेकर जहाँ एक तरफ वो परेशान है, तो वहीं पर अब घर के लोग अनुराग के लिए शादी के लिए रिश्ते ढूंढने जा रहे हैं, उसकी शादी करवाने जा रही हैं। ये बात सुनकर दुर्गा बहुत इमोशनल है, लेकिन अब बात अनुराग की जाए, क्योंकि अब अनुराग तक भी इस खबर को कहीं ना कहीं से पहुंचना ही है और वो पहुंच चुका है। जहां अनुराग को पता चल चुका है कि घर वाले उसके लिए लड़की देख रहे हैं और जल्द ही उसकी शादी करवाने वाले हैं। लेकिन आप तो जानते हैं कि अनुराग और दुर्गा एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और ऐसे में अनुराग ने वादा किया है कि दुर्गा के अलावा अनुराग की जिंदगी में कोई लड़की नहीं आएगी। तभी यहाँ पर अनुराग ने अब ये ऐलान किया है सभी घर वालों के सामने कि वो किसी और से शादी नहीं करेगा, वो शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ दुर्गा से और किसी से भी नहीं, क्योंकि वो दुर्गा से बहुत प्यार करता है और इस बीच अगर कोई भी आया तो मैं उसे नामंजूर करूंगा, क्योंकि ये मेरा फैसला है कि मैं खुद दुर्गा से शादी करना चाहता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और दुर्गा भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मगर ऐसे में जब सावित्री ये सब सुनेगी तो उनको बहुत ज्यादा झटका लगने वाला है, क्योंकि सावित्री कभी नहीं चाहेंगी कि उनके घर की बहू किसी कबीले से हो। ऐसे में अब कौन सा नया मोड़ लेने जा रहा है अनुराग और दुर्गा का ये नया सफर, ये तय करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम सब मिलकर देखेंगे कि क्या होने वाला है सीरियल दुर्गा में आगे आने वाले एपिसोड्स में।